नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बेटा क्लास 11 फिजिक्स हम लोगों ने बेटा क्लास 11 में फिजिक्स में आप लोगों को चैप्टर चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, जो बेटा आज खत्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझे बेटा। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेटा प्रक्षेप्य गति के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, और उसमें तीन चीजें आपको पढ़ाई थी, कुंडलाकार, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज प्रहार। ठीक है बेटा, तीन चीजें आपको बेटा हमने पढ़ाई थी, कौन कौन सी, कुंडलाकार, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज प्रहार। उम्मीद करूंगा तीनों के फॉर्मूले आपको याद होंगे। उन्नयन काल का क्या होता है, t is equal to 2 u naught sin theta upon g। महत्तम ऊंचाई का था h is equal to u naught square sin square theta upon 2g। और मैंने ये भी कहा था कि अधिकतम ऊंचाई कब होगी, जब वस्तु को 90 डिग्री के एंगल पे फेंका जाएगा। कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे फेंका जाएगा। तो इसलिए अधिकतम ऊंचाई पे थीटा हमने कितना लिया था, 90 अंश। तो जैसे ही 90 अंश लेंगे तो साइन स्क्वायर 90, और साइन स्क्वायर 90 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1, और 1 का मान निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, u नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। उसके बाद बेटा फिर हमने चर्चा की थी क्षैतिज प्रहार पे। क्षैतिज प्रहार का फॉर्मूला क्या था, r = u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है बेटा, यहां पे अधिकतम क्षैतिज प्रहार का मतलब हो गया कि अधिकतम कितनी दूरी तक ऑब्जेक्ट जाएगा जब उसे 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाएगा। तो r max बराबर हो जाएगा u नॉट स्क्वायर sin 2 * 45 / g। 45 दूरी 90 और sin 90 का मान 1। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, ये आपका आ गया बेटा अधिकतम क्षैतिज प्रहार का बेटा। तो उम्मीद करूंगा तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बेटा। प्रक्षेप्य गति में उन्नयन काल, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज प्रहार, तीनों को अच्छे से बेटा पढ़ लीजिएगा पहले लास्ट वीडियो में जाके, तब आगे बढ़िएगा। चलिए आज हम चर्चा करेंगे बेटा महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज प्रहार में संबंध। महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज प्रहार में संबंध किसमें बेटा, महत्तम ऊंचाई व क्षैतिज प्रहार। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आखिर महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता क्या है बेटा। देखिए महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू, देखिए मैंने अभी भी बताया आपको क्या लिख रहा है, h बराबर u नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यही फॉर्मूला मैं लिखूंगा, h बराबर u नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दैट्स क्लियर, यही है बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब क्या लगेंगे बेटा, क्षैतिज प्रहार का फॉर्मूला। क्षैतिज प्रहार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, r बराबर, देखो ये लिखा हुआ मैं दिखाता हूं, ये रहा क्या लिखा हुआ है बताइए, u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है ना, बहुत ही आसान सी चीज है बेटा, कितना, u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। समीकरण नंबर 2, दोनों इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि हमको इसमें रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड लगा देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। जब डिवाइड लगाएंगे बेटा तो LHS का LHS में और RHS का RHS में। ठीक है बेटा, देखिए LHS इसकी कितनी, इक्वेशन फर्स्ट की H और RHS इसकी इक्वेशन, LHS क्या है बेटा R। RHS की अगर बात करें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की RHS है बेटा u नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जबकि इक्वेशन नंबर सेकंड की RHS क्या है बेटा, u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब बात होती है बेटा कैलकुलेशन की, तो ध्यान दीजिए बेटा, u नॉट स्क्वायर से u नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से बेटा g कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा, देखिए जो बचेगा उसको नोट कीजिए, h / r। ऊपर कितना बच रहा है बेटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। दैट्स क्लियर, सॉरी g नहीं, g तो कट गया, 2 बचा बेटा, ठीक है ना, g तो कट गया ना, और नीचे कितना बचा बेटा अपॉन के नीचे, sin 2 थीटा। देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता होता है बेटा, क्या होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, याद होना चाहिए सभी बच्चों को, 2 sin थीटा * cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा sin 2 थीटा का। कितना बोला मैंने, 2 sin थीटा * cos थीटा, बाकी अपॉन में जो g था वो कैंसिल हो ही चुका है, कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो देखिए फिर से कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है बेटा, देखिए sin स्क्वायर थीटा यहां पे 2 है और यहां केवल 1 sin थीटा, तो 1 sin थीटा से 1 sin थीटा
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इस 2 के पास आ जाएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो ऊपर आएगा कितना बेटा sin थीटा अपॉन 2 2 जा 4 cos थीटा, दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों को पलट देंगे, पलटने का मतलब रिवर्स कर देंगे बेटा दोनों पक्षों को, ठीक है। सभी ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, बोथ साइड रिवर्सिंग, रिवर्सिंग का मतलब पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। चलिए आइए, तो यह हो जाएगा R upon H is equal to 4 cos थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे कौन आएगा बेटा sin थीटा। सभी ध्यान दें, तो R upon H बराबर 4 रहेगा। देखिए ज्यादातर बच्चे जानते हैं बेटा कि 10th क्लास में पढ़ा होगा cos बटे sin कितना होता है, जल्दी बताओ, cos बटे sin होता है बेटा cot थीटा, कितना होता है cot थीटा। तो फॉर्मूला आ जाएगा R upon H बराबर 4 cot थीटा, R upon H बराबर 4 cot थीटा, दैट्स क्लियर। यही प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज परास तथा महत्तम ऊंचाई में संबंध है बेटा। एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बेटा, तो सभी बच्चे ध्यान से इसको नोट जरूर करें बेटा, ठीक है ना। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो बेटा जो उसको नोट ना करे, प्रॉपर तरीके से नोट करते चलना बेटा, ठीक है।